भारतवर्ष की हजारों वर्ष पुरानी गौरवमयी संस्कृति को संजोकर रखने, वर्तमान पीढ़ी को उससे रूबरू करवाने, अपने लोकगीतों के माध्यम से सरल रूप से उनके प्रचार प्रसार में हमारे लोक गायकों का हमेशा अहम योगदान रहा है। ये बात पूर्व में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव रहे, वर्तमान में प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री ने धार्मिक भजनों के मशहूर लोक गायक ओम प्रकाश चंदेल के नए भजन राम क्यों नहीं बोलदा के विमोचन के अवसर पर मुख्य तौर पर उपस्थित रहते हुए कही। नरेंद्र अत्री ने कहा कि लोक गायक अपने गीतों भजनों के माध्यम से बड़े ही सरल तरीके से हमारी धार्मिक मान्यताओं, गौरवमयी ऐतिहासिक गाथाओं को अपने गीतों के माध्यम से संरक्षित भी रखते हैं व प्रचार प्रसार कर हमारी युवा पीढ़ी को रूबरू भी करवाते हैं। लोक गायक ओम प्रकाश चंदेल आकाशवाणी शिमला और हमीरपुर में भी अपनी कई बार प्रस्तुतियां दे चुके हैं। अब तक 111 भजन व लोकगीत गा चुके हैं। आज प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री ने उनका 111वें भजन का विमोचन किया। इस भजन के गायक ओम प्रकाश, लेखक पमपाल फौजी, म्यूजिक परमजीत पम्मी ने दिया है। इस मौके पर डॉक्टर अनिल ठाकुर, नरेश राणा, अमित ठाकुर, पल्लवी चंदेल, निखिल ठाकुर, अनुप्राणा, रमेश कुमार, मनोज वर्मा, सुनील ठाकुर सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। आज हमारे प्रदेश के लोक गायक जो अपने भजनों के लिए, पहाड़ी गीतों के लिए पूरे प्रदेश भर में लोकप्रिय हैं, श्री ओम प्रकाश चंदेल जी, इनका 111वां श्री राम भजन लॉन्च हुआ। मैं इस अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आशा व्यक्त करता हूं कि जिस निरंतरता के साथ ये हमारी लोक संस्कृति को, हमारी ऐतिहासिक जो हमारा गौरवमय इतिहास है उसको, हमारी हजारों वर्ष पुरानी जो आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको अपने लोकगीतों के माध्यम से उसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे, उनको संरक्षित करते रहेंगे और नई पीढ़ी के समक्ष अपने सरल अंदाज में प्रस्तुत करते रहेंगे। बहुत बड़ा योगदान हमारे लोक गायकों का रहता है हमारी ऐतिहासिक मान्यताओं को संरक्षित रखने में, हमारी धार्मिक आस्थाओं को बनाए रखने में, वो हमारा जो हजारों वर्ष पुराना गौरवमय इतिहास है, हमारी गौरवमय संस्कृति है, उसको संरक्षित रखने में, संजोए रखने में मैं बहुत बधाई देता हूं और आशा व्यक्त करता हूं इसी निरंतरता के साथ ये अपना जो लोक संस्कृति का संरक्षण का काम है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। लोक गायक ओम प्रकाश चंदेल जी के जो बाबा कमलाइया के भजन है, बाबा बालकनाथ जी के भजन है और माता की भेंटे हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं और बहुत सुकून उनको सुनकर मिलता है। मेरा पूरा विश्वास है कि इस क्रम को ये जारी रखेंगे और आगे आने वाले समय में हमें और अधिक इनकी भेंटे, इनके भजन सुनने को मिलेंगे। जय श्री राम। आज मेरा प्रभु राम जी का भजन मिट्टी दे खिडौने तो राम क्यों नहीं बोलदा, श्रीमान श्री नरेंद्र अत्री जी के घर कमला द्वारा यूट्यूब पे रिलीज हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अत्री जी का, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते रहते हैं। तो हमारा सौभाग्य है जो आज अत्री जी हमारे साथ मौजूद है और हमेशा हमें उत्साहित करते रहते हैं, आगे भी इनका सहयोग ऐसे ही हमें मिलता रहे। तो सभी दोस्तों से विनती कि मेरे प्रभु राम जी के इस भजन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना आशीर्वाद दें। जय श्री राम, जय हिंद।